हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गए। पढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों आज काफ़ी दिन हो गए हैं, मुर्गियाँ खुली रहती हैं, ठीक है। ये देखें, डक्स खुली रहती हैं, मुर्गियाँ दूसरी खुली रहती हैं, बाकी सारे जानवर खुले रहते हैं, एक बंद रहते हैं तो हमारे पिजन, ठीक है जी। पैरट का हो गया था, वो अब बड़े मास्टर केज में है, वो अब आज़ाद फेरे हैं, ठीक है जी। अब वो नीचे दाना खाने आए हुए हैं, वो देखें शायद इधर से नज़र आ जाए, वो नीचे बैठे हुए हैं उधर। ये देखिए वो पानी पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। वो पानी दाना पानी खाने के लिए नीचे आए हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि आज काफ़ी दिन हो गए हैं, हमने अपने पिजन नहीं खोले, ठीक है। सबसे पहले हम पिजन खोलेंगे अपने। चल आ भाई, पिजन खोल, वन बाय वन एक पेयर निकाली जा, पेयर निकालो इसे भाई। एक ये जी, ये भी निकल गया। अब सेकंड निकालो, जैसे इनके इनके केजेस की, इनके बॉक्सेस की सफाई भी होने वाली है इंशाल्लाह, वो कल करेंगे। तो ये दो पेयर बाहर आ गए हैं, ठीक है। एक अंडों पे बैठा हुआ है, उसे नहीं छेड़ना हमने, ठीक है जी। ये तीसरा पेयर भी बाहर आ गया। चले जी, ये पेयर वगैरह निकालता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो जी पिजन वगैरह खोल दिए, अब हमने सोचा ये है कि हम आज अपनी डक्स के लिए स्विमिंग पूल बनाएंगे। स्विमिंग पूल कैसे बनाएंगे, हमारे पास एक जगह है तो, पर उसका ये है कि उधर ना मैंने सोचा हुआ कि पौधे लगाऊँ, ठीक है जी। ये जगह है, ठीक है, इधर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, कचरा वगैरह है, इधर मैं सोच रहा हूँ कि पौधे लगाऊँ। एक मेरा माइंड बन रहा है कि इधर मैं डक्स के लिए लाइक पानी वगैरह इधर बना दूँ, एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप बना दूँ, ठीक है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों में से देखते हैं अब क्या करते हैं। अब करते ये हैं कि स्विमिंग पूल बनाते हैं उसका, ठीक है। ये बड़ा टप ले आए हैं, हम इसको अच्छे से साफ़ करते हैं, अंदर से साफ़ करके उसके बाद इसमें पानी पूरा भरते हैं और डक्स को इनमें छोड़ते हैं। डक्स को पकड़ के और टब में डाल दो, ऐसे चल डाल से एक डाल, वो बाहर आने की पानी कितना गंदा हो गया, एक मिनट के अंदर, एक मिनट ही नहीं हुआ, ठीक है, एक मिनट के अंदर अंदर पानी कितना गंदा कर दिया, बहुत गंद हो जाते हैं। तो जी दोस्तों, इनको पानी में देख के यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, ठीक है। ये पानी से निकल ही नहीं रही, तो अब मेरा माइंड चेंज हो गया है। इधर मैं पौधे लगाने वाला था ना, अब मैं पौधे नहीं लगाऊंगा इधर, इधर इनके लिए स्विमिंग पूल भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब करते क्या है कि ये जो मिट्टी है ना, इसके अंदर ये निकालते हैं, ये निकाल के कल को इंशाल्लाह इनके लिए स्विमिंग पूल ही बनाएंगे। तो अब करते क्या है, इसमें से अब मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी निकाल के वो नीचे सिम्बा ने खोदा हुआ है यार एक गड्ढा, उसमें भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ना इसको अच्छे से साफ कर देते हैं, कल को इसका स्विमिंग पूल ही बनाएंगे।
तो जी फाइनली हमारा मिनी स्विमिंग पूल साफ हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, कल इसको अच्छे से और साफ करेंगे, पेंट वगैरह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल को मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।